जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी कि IARI भर्ती 2021-2022 के बारे में, जो कि आपकी टेक्नीशियन के पद पर निकाली है। और इसमें कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको यहाँ पर संपूर्ण जानकारी इस वीडियो अंदर देने वाला हूं। और अगर आपको वीडियो को देखने के बाद में कोई सवाल कोई डाउट होता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर आपको खुद से इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन और अप्लाई ऑनलाइन लिंक के ऊपर आने के लिए क्या करना है, आपको गूगल के अंदर जॉब्स ज्ञान सर्च करना है। इसके बाद यहां पर आपको पहली वेबसाइट jobsgyan.in इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहां पर आप होम पेज पर टुडे बेस्ट जॉब में IARI टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट 2021-2022 की पोस्ट देखेंगे। अगर आप इस पोस्ट को यहां पर नहीं देख पा रहे तो आपको रिसेंट पोस्ट में इस पोस्ट को देखने को मिल जाएगा। ये पोस्ट आपको ओपन करनी है। ओपन करने के बाद में आप यहां पर जो भर्ती की जानकारी है वो पूरी जानकारी रिटर्न में देख सकते हैं। बट अगर आप डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करना चाहते हैं तो आपको यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा, जहां पर आप चेक कर सकते हैं कि अभी इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है, जो कि आपका ICAR इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया है। ये आपके न्यू दिल्ली के अंदर बेस है। अभी यहाँ पर कुछ कैंडिडेट का सवाल ये होगा कि सर इसमें पोस्टिंग कहाँ होगी, यानी कि जॉब लोकेशन क्या होगी। तो यहाँ पर दोस्तों मेनली आपकी जॉब लोकेशन रहेगी वो आपकी न्यू दिल्ली होने वाली है। वैसे ऑल इंडिया के अंदर आपकी पोस्टिंग होगी, बट मेनली आपकी पोस्टिंग न्यू दिल्ली के अंदर होगी, चाहे आप कहीं से भी इस फॉर्म को भर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जो आपकी पोस्ट है वो आपकी टेक्नीशियन टी फर्स्ट है, यानी कि टी फर्स्ट की कैटेगरी के अंदर इसको रखा है। पोस्ट का नाम आपकी टेक्नीशियन है। इसके लिए आपके 641 पद है, जिसमें कि यूआर यानी कि अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल इसके लिए 286 पद है। ओबीसी के लिए 133 है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि EWS के लिए 61 है। SC कैटेगरी के लिए 93 है और ST के लिए 68 है। एज लिमिट की अगर बात करें तो एज लिमिट आपकी मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 30 साल है। साथ ही गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट यहां पर एज में दी जाएगी। बात करें आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं या उसके बराबर बेसिकली 10वीं पास की योग्यता आपसे मांगी है। अभी इसमें जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है कोई भी अतिरिक्त जानकारी नहीं दी है कि कोई आपसे डिप्लोमा मांगा है, कोई ITI मांगी है, कुछ ऐसी जानकारी यहां पर नहीं दी गई है। जैसे अगर इसमें कोई जानकारी ऐड होती है तो वो आपको 18 दिसंबर 2021, क्योंकि 18 दिसंबर 2021 को आपके फॉर्म फिलअप स्टार्ट होंगे, तभी इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा। तो अगर कोई चेंजेस होते हैं तो वो आपको फॉर्म भरने से पहले पता चल जाएगा। अभी यहां पर आप ये जान लीजिए कि आपको इस पोस्ट पर ₹21,700 प्लस अलाउंसेस सैलरी मिलने वाली है। शुरुआती सैलरी आपकी ₹21,700 होने वाली है। अभी जो मैंने आपको डेट बताई आपकी इंपॉर्टेंट, वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं कि आप लोग इस फॉर्म को 18 दिसंबर 2021 से लेकर के 10 जनवरी 2022 तक भर पाएंगे। अभी आप मुझे कमेंट करके फटाफट से बताइए कि क्या आपको जब इसका 18 दिसंबर 2021 को अप्लाई लिंक एक्टिवेट हो आपको फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए। अगर हाँ तो आपको कमेंट करके बताना है कि सर हमें फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए। और अगर आप ये कमेंट करें कि सर हमें फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना है, क्योंकि आपको उसी से वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो को 18 दिसंबर के बाद वॉच कर रहे हैं तो आपको एक बार इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना है या फिर चैनल के ऊपर आकर के वीडियोस को देख लेना है, क्योंकि यहां पर आई होप ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका होगा आपके फॉर्म फिलअप की। तो ये तो हुई आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जानकारी। अभी यहां पर दोस्तों बात करें आपकी अन्य डिटेल के बारे में, तो जैसा कि आपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखा इसमें सिर्फ इतनी ही जानकारी है। तो अभी आपके कुछ सवाल होंगे कि सर इसमें फीस कितनी रहेगी, तो फीस की जानकारी अभी नहीं आई है। जैसे ही फीस की जानकारी आएगी तो यहां पर हमारी वेबसाइट जो कि मैंने आपको बताया इसके ऊपर अपडेट कर दी जाएगी। आप यहां पर जो आपका पेमेंट ऑफ फी है इसमें आकर के आपकी एप्लीकेशन फीस चेक कर पाएंगे। अभी बात करते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो सिलेक्शन आपका इसमें रिटर्न एग्जाम के द्वारा किया जाएगा। अब रिटर्न एग्जाम के अंदर आपका क्या क्या रहेगा वो आप यहां पर देख लीजिए। अभी ये जो आप सिलेबस देख पा रहे हैं आपका एक्सपेक्टेड है, जो कि आई होप सही निकलेगा, इसलिए मैं आपसे यहां पर कह रहा हूं। और जैसे ही आपका डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा और अगर उसमें सिलेबस में कोई भी चेंजेस पाया गया तो यहां पर वेबसाइट के ऊपर उसको अपडेट कर दिया जाएगा। आप वेबसाइट के ऊपर आकर के बेझिझक यहां सिलेबस की जानकारी ले सकते हैं, आपको कोई गलत जानकारी नहीं दी जाएगी। अभी के लिए यहां पर बात करें आपके सिलेबस की, तो आपका जो पेपर बनेगा वो आपका इन चार सब्जेक्ट से बनने वाला है।
पहला है आपका जनरल नॉलेज, फिर है मैथमेटिक्स, फिर है साइंस और इसके बाद है सोशल साइंस। तो जनरल नॉलेज में आपके किन टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। आपको बोला है कि इन दिस सेक्शन क्वेश्चन विल बी आस्क फ्रॉम आस्क टू टेस्ट द नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स रिलेटिंग टू इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज स्पेशली पर्टेनिंग टू हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक साइंस, जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च। ये आपके वो मेन टॉपिक्स हैं जिनसे आपके क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे। तो जनरल नॉलेज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको कोई खास प्रिपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती, बस आपके जो आसपास घट रहा है उसको आपको देखना होता है, उस पर आपको नज़र बना करके रखनी होती है, पिछले 5-6 महीने में क्या कुछ घटा है इन फील्ड के अंदर वो आपको ध्यान में रखना होता है। फिर आपका मैथमेटिक्स आता है, जो मैथमेटिक्स है इसमें जो क्वेश्चन का लेवल है वो 10th लेवल का ही होने वाला है। और जो आपके टॉपिक्स हैं ये आपका नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री एंड स्टैटिकल चार्ट्स। ये आपके वो खास टॉपिक्स हैं जहां से आपके क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे। फिर साइंस, साइंस भी आपका 10th लेवल का रहेगा, इसमें आपके टॉपिक्स रहेंगे फिजिकल एंड केमिकल सबस्टेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर्स, वर्ल्ड ऑफ लिविंग, नेचुरल फिनोमिनन, इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड नेचुरल रिसोर्सेस। ये है आपके साइंस के टॉपिक्स। फिर आता है आपका सोशल साइंस, सोशल साइंस में आपके टॉपिक्स रहेंगे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ये आपके कुछ सोशल साइंस के टॉपिक है। वैसे तो बहुत सारे आते हैं बट जैसा कि कहा कि ये आपके मेन और खास टॉपिक है जहाँ से आपके क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने इसके सिलेबस और जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है और जो भर्ती की एलिजिबिलिटी है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी जान ली है। वैसे जो किसी भी फॉर्म में अप्लाई करने के लिए जरूरी डिटेल होती है वो आपकी यही है जो कि शॉर्ट नोटिफिकेशन में दे दी है। बस एक जरूरी जो डिटेल है वो है आपकी एप्लीकेशन फीस की, वो मिसिंग है, बट ये आपको कल 18 दिसंबर 2021 को मालूम हो जाएगी और वेबसाइट के ऊपर एप्लीकेशन फीस की जानकारी अपडेट कर दी जाएगी। तो आपको कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है इस डिटेल के बारे में। साथ ही मैंने आपको पूरी जानकारी तो दे ही दी है, बट अगर आपका अभी जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कोई सवाल, कोई डाउट रह गया है, कोई भी सवाल हो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछिए, मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके आपको आंसर कर सकूं और जो भी आपका डाउट है उसको क्लियर कर सकूं। तो ये थी आपकी इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।